विचित्र बहुरूपिया। एक बाबा जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक खेत आया। बाबा जी वहां लघु शंका के लिए बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा कि हमारे खेत में से मतीरा चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेतों में से मतीरों की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत से मतीरा चुराता है। बाबा जी बोले, हे भाई, मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृषक ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, हे महाराज, मेरे से बड़ा कसूर हो गया। मैं समझा था कि ये मतीरा चुराने वाला है। बाबा जी बोले, तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मेरे को थोड़े ही मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझकर मारा है। अब मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वो कर। बाबा जी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था, वो पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बिठला कर अस्पताल ले गया और वहां भर्ती करा दिया। वहां उनकी मरहम पट्टी कराकर उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबा जी से बोला, हे महाराज, ये दूध लाया हूँ, पी लीजिए। बाबा जी पहले हंसे और फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहुरूपिया है। पहले लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है। वो आदमी बोला, हे महाराज, मैंने लाठी नहीं मारी है। लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबा जी बोले, नहीं, मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तू ही था, तेरे सिवाय दूसरा कौन आए? कहाँ से आए और कैसे आए? बता, ये केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबा जी की दृष्टि तो वासुदेवा सर्वम पर थी। वो आदमी डर रहा था कि बाबा जी कहीं मेरे को फंसाने दें। तात्पर्य ये है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रू जुग पानी। नया जन्म। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। चोर के पद चिन्हों को देखते देखते वो नगर के बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के भीतर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा, एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वह वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान हो गया उसको मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा सुन रहा था, उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ,
लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पद चिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि हे महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है, इसी आदमी ने चोरी की है। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, हे महाराज, चोरी मैंने नहीं की, मैंने तो इस जन्म में भी कहीं चोरी नहीं की। सिपाही बोले, हे महाराज, ये झूठ बोलता है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चला कि वो झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ में पीपल के 2.5 पत्ते रख कर उसको कूचे 7 से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसके हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो वहाँ गिरा हुआ वो जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने ऊपर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इनको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, हे महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी, मगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा रखा है, वहाँ से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा, चोर उनको वहाँ ले गया, वहाँ उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहाँ से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ठीक बताओ क्या बात है? चोर बोला, हे महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहां जाकर लोगों के बीच में बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो पिछले जन्म की थी।